मैथमेटिक्स कितना डिफिकल्ट है ये उनसे पूछिए जिनको मैथमेटिक्स में अक्सर 10, 12, 15, 17 मार्क्स आते हैं। कभी कभी मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपको लगेगा जैसे कि 24 आवर्स में 16 आवर्स मैथमेटिक्स ही पढ़ते रहे। तो ये तो इसलिए मैथमेटिक्स को बिल्कुल अजूबा, अलग और डिफरेंट माना गया है। हांगकांग के किसी कंपटीशन में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये साबित करता है कि मैथमेटिक्स फनी भी है, ये इंटरटेनिंग भी है, ये आपको मनोरंजन भी देता है। ये एक नंबर का सीरीज है, 16, 6, 68, 88 एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड 98। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब मैं बैठा, मैंने इंटरनेट पे कहीं ये क्वेश्चन देखा था, तो इसका सॉल्यूशन वहाँ नहीं था। जब इसको सॉल्व करने के लिए मैं बैठा तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर इसको कॉपी को बंद करके मैं नहाने चला गया, पर जब नहा के आया तो किसी वजह से कॉपी उल्टा रखा हुआ था। और तब जब मैंने इसको देखा, इस क्वेश्चन को देखा, तो आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि आश्चर्य की बात है ही, ये किसी पैटर्न से ये क्वेश्चन मार्क का आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि ये काफी फनी क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने कॉपी पर लिखा है और ये क्वेश्चन यहां पर इस तरह से है। अब इस कॉपी को उलट दीजिए, तो जब आप उलटते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाता है, क्योंकि उलटने के बाद ये नंबर का पैटर्न जो चेंज होता है वो इस प्रकार से है। 86, यहां पर जो 98 था वो उलटने के बाद 86 और फिर 88, 89, 90 और 91। इसका मतलब है कि ये तो नेचुरल नंबर का 86, 87, 89, 90, 91 इस तरह का नंबर है। यहां पर इसको आप उलट के देखेंगे तो यहां पर बनेगा 87, यानी कि इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 87। ये 87 आप यहां पर उलट के इसको लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। व्हाट ए जोक, कैसा मजाक, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी देखिए। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।